हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी हार्ट। आज हम लोग करने जा रहे हैं केंद्रीय विद्यालय का जो अभी हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रहा है ना, उसका SST पेपर सॉल्व करेंगे। और ये आपका गुवाहाटी का पेपर है, ठीक है? तो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, इसमें टोटल क्वेश्चन आपके 27 क्वेश्चन होंगे। और फिर इसमें टोटल क्वेश्चन आपके 27 क्वेश्चन हैं। और ये सब आप खुद से अच्छे से देख लेना, कितने शॉर्ट MCQ टाइप क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। लास्ट में आपके दो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे जो कि 4 मार्क्स के होंगे, ठीक है? तो अभी हम लोग एक एक, और लास्ट में एकदम एट द लास्ट आपका मैथ है, तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, हु कॉइन द टर्म हिंदुस्तान। हिंदुस्तान ये जो टर्म है ये किसने सबसे पहले यूज़ किया था 13th century में? तो इसका आंसर होगा मिनाज ई सिराज, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ हिरण्यगर्भ? हिरण्यगर्भ का लिटरल मीनिंग क्या होता है? हिरण्यगर्भ का लिटरल मीनिंग क्या होता है? वो उसका होता है गोल्डन वॉर्म। व्हिच डायनेस्टी फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड इट्स किंगडम इन दिल्ली? दिल्ली में सबसे पहले अपना किसने सबसे पहले अपना डायनेस्टी एस्टैब्लिश किया था, एम्पायर एस्टैब्लिश किया था? तो ये होगा तोमर राजपूत। अगर आपका इसमें अगर क्वेश्चन आ जाए कि उनका नाम बताने के लिए, ये होगा अनंगापाला, ठीक है? अनंगापाला। जंगेज़ खान वॉज द रूलर ऑफ विच ट्राइब? जंगेज़ खान जो थे वो किस ट्राइब के रूलर थे? तो वो थे मंगोल्स के। व्हेन इज़ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो ये होगा आपका 5th June, ये तो सबको पता है। विच रॉक इज़ मोल्टन मैग्मा मेड अप ऑफ? मोल्टन मैग्मा जो होता है ना वो किस रॉक से बना होता है? ये हो गया आपका इग्नीशियस रॉक, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए? कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है? ये होगा आपका सिस्मोग्राफ। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल सनरेज? तो कौन सा इनमें से कौन सा गैसेज हमें हार्मफुल सनरेज से बचाता है, ओजोन लेयर हमें बचाता है, ठीक है? हु ड्राफ्टेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने ड्राफ्ट किया था? तो B.R. अम्बेडकर ने किया था। इन विच कॉन्टिनेंट इज कोस्टा रिका सिचुएटेड? ये होगा आपका नॉर्थ अमेरिका में। MLA आर इलेक्टेड बाई? MLAs को कौन इलेक्ट करता है? ये पीपल इलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, अ पॉलिटिकल पार्टी हुज MLAs हैव मोर देन हाफ ऑफ द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन अ स्टेट? एक स्टेट में हाफ से भी ज़्यादा जिसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का MLA जीत गया हो, तो वो क्या फॉर्म करता है? मेजॉरिटी, माइनॉरिटी, अपोजिशन या ऑल ऑफ दिस? तो ये फॉर्म करेगा आपका, जो हाफ से भी ज़्यादा होगा तो वो क्या हो जाएगा? वो तो मेजॉरिटी फॉर्म करेगा, है ना? तो मेजॉरिटी होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 से आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं। ये सारे 2 मार्क्स के हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना? ये सारे 2 मार्क्स के हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 19 से 3 मार्क्स का स्टार्ट होते हैं। तो इन सब का मैंने नीचे अच्छे से PDF बना के रखा है, वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे PDF में, हुए समानता से, ठीक है? देखो यहाँ तक क्वेश्चन पेपर था आपका, यहाँ से स्टार्ट होता है। हु आर समानताज? समानताज कौन होते हैं? समानताज वेयर बिग लैंडलॉर्ड्स होते हैं इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। बड़े बड़े लैंडलॉर्ड जो होते थे ना हमारे इंडिया में पहले पुराने समय में, बाय द एग्जिस्टिंग किंग्स, उस समय के किंग लोग इनको रखते थे समानताज को, 7th century के समय में, ठीक है? तो 2 मार्क्स का था, तो इसमें ज़्यादा नहीं लिखना है, इतना लिखने से होगा। व्हाट वेयर द 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस कलेक्टेड अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सुल्तान? तो दिल्ली सुल्तान जो थे ना वो 3 तरह के क्या अलग अलग टाइप्स ऑफ टैक्सेस कलेक्ट करते थे? तो ऑन कल्टीवेशन ऑफ खरज का, है ना, उसके ऊपर वो लोग टैक्स लेते थे। ऑन कैटल्स के ऊपर और घरों के ऊपर भी वो लोग टैक्स लिया करते थे। व्हाट इज़ लिथोस्फेयर? लिथोस्फेयर इज़ द सॉलिड क्रस्ट और हार्ड टॉप ऑफ द अर्थ। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। ये सॉलिड क्रस्ट है जिस पे हम लोग चलते हैं, है ना, उसको ही जो हमारा हार्ड क्रस्ट है अर्थ का, उसको ही लिथोस्फेयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर मेटामॉर्फिक रॉक्स? किसे कहते हैं? When igneous and sedimentary rocks, जब igneous और sedimentary rocks ना change हो जाते हैं due to अंदर में पृथ्वी के अंदर बहुत ही ज़्यादा ऊपर से बहुत ज़्यादा heat और pressure के कारण जब igneous rock और sedimentary rock change हो जाते हैं ना, तो वो metamorphic rock में change हो जाते हैं, ठीक है? Next question है, write significance of midday meal scheme। तो बच्चों आप लोग को मुझे एक बात बताना था, ये questions बहुत ही ज़्यादा important है और आप लोग के exam में पूछे भी जाएंगे, ठीक है? तो ऐसा नहीं आप लोग किसी भी क्वेश्चन को स्किप करना, इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं आप लोग अच्छे से लर्न करना। जैसे कि इस स्कूल में आ गया तो आप लोग के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब बहुत ही ज़्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? और मैंने कोशिश किया इन सब के आंसर्स में छोटे छोटे करके दिया करो, ताकि आप लोग को लर्न करने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? तो
आगे करते हैं, राइट सिग्निफिकेंस ऑफ मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील का स्कीम का सिग्निफिकेंस क्या होता है? द स्कीम हैज़ हेल्प टू इंक्रीज द एनरोलमेंट एंड अटेंडेंस ऑफ पुअर चिल्ड्रेन। इस मिड डे मील स्कूल में फूड देने से क्या होता है, जो पुअर बच्चे होते हैं वो लोग एटलीस्ट खाना खाने के लिए तो स्कूल जाया करते थे, है ना, एडमिशन स्कूल्स में ज़्यादा होने लगे। इट हैज़ हेल्प इन रिड्यूस कास्ट प्रिजुडाइस, मतलब सभी कास्ट के लोग अब स्कूल में जाने लगे थे, ठीक है, ऐसा नहीं थे कि लोअर कास्ट के लोग अब स्कूल बच्चे नहीं जा रहे थे। इट हेल्प्स टू रिड्यूस हंगर, मतलब जो पुअर चिल्ड्रंस होते हैं उनका हंगर कम करने में हेल्प होता था और उनको भूख नहीं लगती थी वहाँ पे, क्योंकि खाना दिया जाता था, वो लोग पढ़ाई पे अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर सकते थे। फिर दलित वुमेंस लोग क्या करते थे वहाँ पे, उनको खाना बनाने का उनको काम दिया गया था, तो उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिल गया इस तरह से। तो इस तरह से इनके बहुत सारे कुछ बेनिफिट्स थे मिड डे मील स्कीम के। देखो, अकॉर्डिंग टू सर्कल ऑफ जस्टिस, वाई वॉज इट इम्पॉर्टेंट फॉर मिलिट्री कमांडर्स टू कीप द इंटरेस्ट ऑफ द पीजेंट्री इन माइंड। अच्छा, तो फिर मिलिट्री को ठीक ठाक रखने के लिए तो किंग ऐसा क्यों करता था कि वो फार्मर्स को एकदम अच्छे से खुश करके रखता था, ऐसा क्यों करता था? देखो, किंग सर्वाइव्ड ऑन सोल्जर्स। एक किंग कैसे अच्छे से प्रोग्रेस कर सकता है अगर उसके सोल्जर्स ब्रेव है, बहुत सारे सोल्जर्स है तो, है ना, सोल्जर्स उसको क्या चाहिए होता है काम के बदले, उनको सैलरीज चाहिए होते हैं। सैलरीज कहाँ से आते थे? रेवेन्यूज जो राजा पीजेंट्स फार्मर्स से कलेक्ट करते थे वहाँ से आता था। तो पीजेंट्स रेवेन्यू कब देंगे? जब वो लोग हैप्पी और प्रॉस्पेरस होंगे, जब उनके पास खुद ही नहीं रहेगा देने के लिए टैक्स, तो वो राजा को क्या देंगे, है कि नहीं? तो इसीलिए राजा जो था ना वो फार्मर्स का बहुत अच्छे से देखभाल करता था। ये भी बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिव रीजन सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड अंडर सेंटीमेंट्स। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए पूछा ही गया, ये हर साल ही पूछा जाता है। देखो, रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू फ्रेगमेंट्स एंड सेडिमेंट्स। रॉक्स जो होते हैं ना वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स मतलब टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। दिस सेडमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिट विंड वाटर इन सब के थ्रू ये अलग अलग जगहों में चले जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं एक जगह पे। फिर दिस लूज सेंडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड हार्डेंड टू फॉर्म, और ये ऊपर से कंप्रेस हो जाते हैं प्रेशर से और एक फॉर्म लेयर का, लेयर ऑफ रॉक का फॉर्म कर देते हैं, उसको ही सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं, ठीक है। देयरफॉर वी कैन से सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म फ्रॉम, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि सेडिमेंट्री रॉक जो होते हैं ना वो सेडिमेंट से बने हुए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग, है ना, और उसका इफेक्ट क्या है? ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द अर्थ का टेम्परेचर। क्या होता है? इज़ द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द अर्थ, अर्थ का जो टेम्परेचर ग्रेजुअली जो बढ़ते जाता है उसको ही ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण, इसको और कार्बन डाइऑक्साइड का इफेक्ट के कारण, CFCs के कारण, जो अलग पॉल्यूटेंट के कारण जो हमारा धीरे धीरे हीट बढ़ते जा रहा है ना अर्थ का, इसको ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और इसका इफेक्ट क्या हो सकता है? राइजिंग टेम्परेचर होने के कारण क्या हो सकता है? स्नो मेल्ट हो जाएगा इन द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, एज अ रिजल्ट सी लेवल इंक्रीज होगा और फ्लड आ सकते हैं कोस्टल एरियाज़ में। और क्या होता है? देयर मे बी ड्रास्टिक चेंज इन द क्लाइमेट, चेंज हो जाता है जिसके कारण बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट वेज थ्रू विच गवर्नमेंट कैन टेक स्टेप्स टू प्रोवाइड हेल्थ केयर फॉर ऑल। तो अलग अलग स्टेप्स बताओ जिससे कि गवर्नमेंट जो है ना सबके लिए अच्छे हेल्थ केयर प्रोवाइड करा सके, क्या कर सकते हैं? तो फॉलोइंग आर द डिफरेंट वेज थ्रू विच गवर्नमेंट कैन टेक स्टेप्स टू प्रोवाइड हेल्थ केयर फॉर ऑल, क्या कर सकते हैं? तो गवर्नमेंट कैन ऑर्गेनाइज फ्री हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं रेगुलर इंटरवल अलग अलग जगहों पे, है ना, हेल्थ कैंप कर सकते हैं। गवर्नमेंट कैन सेटअप न्यू हॉस्पिटल सेटअप कर सकते हैं और न्यू डॉक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। गवर्नमेंट कैन स्प्रेड अवेयरनेस अमंग पीपल बाय डिफरेंट सेमिनार्स वर्कशॉप लगा के लोगों में जागरूकता फैला सकते हैं। गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड मेडिसिन, ये सबको लो प्राइस में गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकता है। तो ये सारे हेल्प गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वेयर जमींदार्स, व्हाट वॉज द रोल ऑफ जमींदार इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। तो जमींदार्स कौन थे और उनका रोल क्या था मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में? जमींदार्स जो थे लोकल हेडमैन थे विलेज के, और उनके पास क्या होता था, बहुत सारे ज़मीन हुआ करते थे और वो पीजेंट्स इंटरमीडिएटरीज की तरह काम करते थे। किन के बीच में? पीजेंट्स और मुगल्स के बीच में, फार्मर्स और मुगल्स जो होते हैं ना एम्पायर, इन दोनों के बीच में ज़मींदार हुआ करता था, मिडिल मैन हुआ करता था, मतलब फार्मर्स की बातें मुगल्स तक पहुँचाता था, मुगल्स की बातें फार्मर्स तक पहुँचाता था, इस तरह से। द रोल ऑफ जमींदार इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन आर एज फॉलोज। तो जमींदार का क्या रोल था? देखो, जमींदार प्लेड द रोल ऑफ इंटरमीडिएटरीज बिटवीन पीजेंट्स एंड मुगल, ये तो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया इसी में। फिर जमींदार क्या करता था, देख कलेक्ट करता था टैक्स और रेवेन्यू एंड टैक्सेस पीजेंट से भी, ये सब वो टैक्सेस कलेक्ट करके मुगल एम्पायरर्स को देता था। दे एक्टेड एज अ विलेज के चिफ्टन्स की तरह एक्ट करते, मतलब विलेज के सरदार मान लो हेड, इस तरह से वो लोग एक्ट किया करते थे।
और कभी कभी ऐसा होता था, समटाइम्स जमींदार एंड पीजेंट्स ऑफ सेम कास्ट टुगेदर रिबेल्ड अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटिव नेचर ऑफ द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। मान लो कोई मुगल एम्पायर है, वो बात अच्छे से रूल नहीं कर रहा है, वो फार्मर्स के ऊपर, दूसरे जमींदार्स के ऊपर बहुत टैक्सेस लेवी कर रहा है, तो अगर लोग उनको, मुगल एम्पायर को जब पसंद नहीं करते थे, तो कभी कभी ऐसा भी होता था कि जमींदार और वो और जो बाकी पेजेंट्स थे ना, वो लोग मिल के क्या करते थे, मुगल एम्पायर के खिलाफ रिबेल कर देते, आंदोलन कर दिया करते थे, ऐसा भी होता था। ठीक है, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए भी। व्हाट इज़ वॉल्केनो, लेबल द डायग्राम ऑफ द वॉल्केनो गिवन बिलो। वॉल्केनो क्या होता है, वॉल्केनो एक वेंट होता है, मतलब क्या होता है, एक ऐसा खुला सा ऐसा जगह होता है, मतलब एक ओपनिंग होता है, वेंट का मतलब क्या, ओपनिंग होता है इन द अर्थ क्रस्ट, ये हमारा अर्थ था, अर्थ का क्रस्ट में एक ओपनिंग होता है, जहाँ से क्या होता है, विच वहाँ से मोल्टेन मटेरियल इरप्ट्स, यहाँ से मोल्टेन मैग्मा ये सब बाहर में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका ये करने दिया था, ये आप लोग देख लेना अच्छे से, लेबलिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे कहाँ पे क्या है, यहाँ सॉरी पिक्चर थोड़ा नीचे कर देती हूँ। देखो यहाँ पे आपका यहाँ से आपका गैसेस होगा, गैसेस एंड एसेस होगा, फिर ये जो जहाँ जो ओपनिंग होता है ना, उसको क्रेटर कहते हैं, और ये जहाँ से ये सब मोल्टन मैग्मा बाहर आता है, उसको वेंट कहते हैं, और ये सब जो ऐसे दिखाया ना ब्लैक ब्लैक, ये आपका लावा है, ये आपका बुक का पिक्चर ही है। यहाँ पे अगर आपको कुछ समझ में नहीं, आप बुक में देख सकते हो। ये क्रस्ट है, ये हमारा पृथ्वी का, ये लिथोस्फेयर है, मतलब उसके नीचे ये मेंटल है, ठीक है, और ये मैग्मा का चैम्बर, यहाँ पे सारे मोल्टन लावा है, मतलब अंदर में, ठीक है, ये आपको शो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु आर एमएलएज कौन थे, और फिर हाउ डिड सम एमएलएज बिकम मिनिस्टर्स, तो कुछ एमएलएज मिनिस्टर्स किस तरह से बन जाते हैं। देखो एमएलएज का फुल फॉर्म क्या होता है, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इनको कौन इलेक्ट करता है, पीपल ही इलेक्ट करते हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट। जैसे कि आप लोग को पता होगा बच्चों, देखो मान लो ये कोई स्टेट है, मैं तो असम को लेकर बताती हूँ, सपोज़ ये हमारा असम एक स्टेट है, सपोज़ ये तो ड्रॉ ऐसा हुआ नहीं है, मैंने ऐसे ही बताया, ठीक है, सपोज़ ये एक स्टेट है, इसमें छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंटीज होते हैं, है ना, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत सारे एमएलएज, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट होता है। एक मिनट में आप लोग फिर से बताती हूँ, थोड़ा सा तो सिमिलर रखना पड़ेगा ना असम का, ऐसा ऐसा कुछ होता है, फिर यहाँ पे अलग अलग मतलब डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, है ना, और हर डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है ना, बहुत सारा इलेक्शंस होता है, उसमें एक एक एमएलए जीतता है, ठीक है, तो जितने, तो मान लो जब असम का पूरा जब इलेक्शन होगा एमएलएज का, तो बहुत सारे एमएलए जीतेंगे, तो जिस पार्टी का एमएलए सबसे ज़्यादा जीतेगा, वही मतलब वहाँ का ये करेगा, चीफ मिनिस्टर इलेक्ट करेगा, वो सब एमएलए मिलके ही वो अपना पार्टी में से एक चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं, तो इस तरह से। और वो लोग फुल फॉर्म क्या हो गया, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और वो मिनिस्टर्स कैसे बन जाते हैं, देखो अ पॉलिटिकल पार्टी विच हैव मोर देन हाफ द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, उस पूरा कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो सबसे ज़्यादा जिसको वोट मिलता है, हाँ, उस स्टेट में पूरा रूलिंग पार्टी बन जाता है, और वही क्या फॉर्म करता है, गवर्नमेंट फॉर्म करता है, और कुछ मिनिस्टर्स अपॉइंट कर दिए जाते हैं, जो मतलब मान लो कोई गवर्नमेंट फॉर्म किया, तो सबसे पहले तो चीफ मिनिस्टर बन गया उनमें से जो हेड रहेगा, फिर वो चीफ मिनिस्टर अपने लोगों को, अपने ही पार्टी के कुछ अच्छे लोगों को क्या करेगा, वो हेल्थ मिनिस्टर, है ना, एजुकेशन मिनिस्टर, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, इस तरह से अलग अलग मिनिस्टर्स बना देंगे, तो इस तरह से कुछ एमएलए जो होते हैं ना, वो मिनिस्टर्स बन जाते हैं। नेक्स्ट है आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द पिक्चर एंड देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये पिक्चर आपका हिस्ट्री बुक से दिया गया था, चैप्टर वन से। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोफेशन शोन इन द पेंटिंग, ये इंसान जो है वो पेंटिंग में क्या कर रहा है, तो इनको कहते हैं स्क्राइब, ठीक है, जो कि कॉपी करने का काम करते हैं, एक मैन्युस्क्रिप्ट्स को कॉपी करके, क्योंकि उस समय पे प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करता था, तो वो लोग कॉपी करने का काम किया करते थे। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज़ द मैन इन द पिक्चर डूइंग, सेम है, इस प्रोफेशन को कहेंगे स्क्राइब, और वो इंसान कर क्या रहा है, हम लोग लिखेंगे इसको द मैन, द स्क्राइब इज़ कॉपिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स बाय हैंड, वो मैन्युस्क्रिप्ट्स को कॉपी कर रहे हैं हाथों से, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होते हैं फिर, मैन्युस्क्रिप्ट्स आर द हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, विच आर यूजली रिटन ऑन द पाम, जो कि पाम के पत्तों पर लिखे जाते थे, या फिर बार्क ऑफ अ ट्री पे लिखे जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन्युस्क्रिप्ट्स आर प्लेस्ड इन लाइब्रेरीज, और कहाँ पे, आर्काइव्स में स्टोर किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका रीड द पैसेज, ये आपको पैसेज पढ़ना है और इसके ऊपर ये क्वेश्चन देना है। पैसेज बच्चों आप लोग खुद पढ़ लेना, ठीक है, मैं यहाँ पे बस क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेती हूँ। हु इलेक्ट्स द चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर को कौन इलेक्ट करता है, द एमएलए इलेक्ट करता है ना, बिलोंगिंग टू द रूलिंग पार्टी, जो बहुत सारे एमएलएज होते हैं ना, उनमें से ही वो लोग अपने आपस में डिस्कस करके एक सबसे सुटेबल पर्सन को चीफ मिनिस्टर, जो हेड होता है ना, उसको चीफ मिनिस्टर इलेक्ट करते हैं।
अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर ऑफ द स्टेट, जो स्टेट का गवर्नर होता है ना, वो चीफ मिनिस्टर का अपॉइंट करता है। उस दिन से चीफ मिनिस्टर अपना काम स्टार्ट कर देता है। व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ द चीफ मिनिस्टर? चीफ मिनिस्टर का ड्यूटीज़ क्या होता है? रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है उसका पूरा, उसका स्टेट का, उसके ऊपर। और अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था आपका, हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट है ना, जीएमसी का डिपार्टमेंट हो गया, तो इन सब कौन क्या ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, ये सब देखना तो चीफ मिनिस्टर का काम होता है। इन सब के मिनिस्टर्स अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं, ये चीफ मिनिस्टर मतलब नज़र रखता है। व्हाट इज़ लेजिस्लेटिव असेंबली? क्या होता है? अ लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ अ प्लेस जहाँ पे सारे एमएलएस, वेदर फ्रॉम द रूलिंग पार्टी हो या फिर अपोजिशन, सारे एक साथ बैठते हैं और बैठ के डिस्कस करते हैं, बहुत सारे डिस्कशंस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मैप है। ऑन द मैप ऑफ इंडिया मार्क द फॉलोइंग एरियाज ऑफ मिलिट्री कैंपेन्स अंडर अकबर एंड औरंगजेब। ये मिलिट्री कैंपेन्स भी थे और इसमें कुछ अलग भी दे दिया गया है, देख रहे हो आप लोग, मालवा दिया गया है, बंगाल भी, ये सब तो है। कन्नौज तो मिलिट्री कैंपेन नहीं था ना, तो ये भी दे दिया है। तो जो भी शो करने दिया हम लोग यहाँ पे मैप में दिखा देते हैं, ये रहा, अच्छे से आप लोग देख लो। देखो कन्नौज जब भी आपको देना होगा ना, ये पार्ट है आपका कन्नौज, ये हो गया कन्नौज, इधर है मालवा, गुजरात तो सबको पता है, बंगाल भी सबको पता होता है नॉर्मली, फिर ये बीजापुर ज़्यादातर पता नहीं होता है, ये अब यहाँ पे है बीजापुर, चोलास हो गया, इतने ही थे, ठीक है। आशा करती हूँ वीडियो आप लोग का अच्छा लगा हो, ठीक है। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और एक बात, ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्कूल में आए हैं तो आपके स्कूल के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, है कि नहीं? तो आप लोग अच्छे से सारा क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर करना, लर्न कर लेना, ईजी लैंग्वेज में मैंने सारा आंसर्स लिखा है ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आशा करती हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है, चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करके बताना कि आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगता है, समझ में आता है कि नहीं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।